हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल गिवन दैट √7 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो पहले हम लोग एज्यूम क्या कर लेंगे कि 2/√7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 2/√7 इज अ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहां आपके डिनोमिनेटर में रूट सेवन है तो उसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2√7। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2√7/7। ओके, अब जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, ये 7p/2q इज इक्वल टू √7। हम लोगों को क्या पता है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर। सारे इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा तो ये एक क्या आएगा, ये नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 7p/2q, ये क्या आ गया मेरा, रेशनल। और मेरा गिवन क्या है, √7 इज इरेशनल। तो मेरे RHS में क्या आ गया, इरेशनल। ओके, तो LHS इज इक्वल टू रेशनल और RHS इज इक्वल टू इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन जो था रेशनल नंबर लेने का वो गलत था। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड आवर एजम्पशन दैट 2√7 इज रेशनल इज रॉन्ग। देयरफॉर 2/√7 इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।